अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ कीमे के समोसों के साथ। वैसे तो मैंने बहुत सारी रेसिपियाँ बनाई हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, टाइम नहीं होता था। कभी कभी शूट हो जाती थी लेकिन सही से, वो फिर एडिट का टाइम नहीं, वो फिर दूसरा ये रमज़ान जा रहे हैं तो बहुत एंड में टाइम कम बचता है काम के लिए। ये मैंने घर में भी कुछ पट्टी बनाई थी और ये मैं लेकर आई थी मार्केट से, तो बड़ी अच्छी हैं ये भी। इसकी भी सेपरेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी, आफ्टर रमज़ान और आफ्टर ईद सॉरी। तो ये बहुत अच्छी बनी थी, बहुत खस्ता, बहुत मज़े की। तो मैंने कहा चलिए इसको थोड़ा सा शेयर करते हैं आपके साथ, दिखाते हैं आपको कैसे बनी हैं। तो ये देखिए कितने यम्मी से बने थे कीमे के समोसे, और साथ ही ये गुलगुले बनाए हैं हमारे हस्बैंड की फरमाइश पे। आप लोग खाते हैं, बनाते हैं क्या? बनाते होंगे वैसे तो, है ना, मीठी स्वीट डिश है एक तरीके से, बड़ी अच्छी लगती। बच्चों को भी बड़ी समझ में आई, पसंद आई, तो वो भी फरमाइश कर रहे थे। 3-4 दिन कंटिन्यू खाए हैं उन लोगों ने, सभी ने माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा चलिए इसकी भी एक झलक आपको दिखाती हूँ, तो बाकी लोग अम्मी फ्रेंड्स सब देख लेंगे। और साथ ही उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि शॉपिंग हो चुकी है अल्लाह का शुक्र से, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब दिखाते हैं आपको क्या क्या लिया है। तो ये जोहान के हम कपड़े ज़ायरा एंजेला के लेने आए थे, लोइज़ा के, तो बस जितना हो पाया थोड़ा थोड़ा सा मैंने कोशिश की है, क्योंकि अभी इतने बिजी हैं वो लोग भी, दिखाने में बहुत ज़्यादा उनको टाइम लगता है। एक एक कस्टमर को स्पेशल टाइम तो नहीं दे सकते हैं, हालांकि ये हमारी जो दुकान है ये स्पेशल दुकान है, ख़ास हम लोग जाते हैं तो, लेकिन वो ईद का वक्त है ऐसा तो समझ में भी नहीं आ रहा था। कुछ काफ़ी चीज़ें थी हर चीज़, तो ये कुछ कपड़े जो हैं हमें समझ में आए तो हमने उसके लिए लिए हैं जोहान के लिए, और ये एंजेला ज़ायरा के हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये एंजेला का ड्रेस है, हालांकि उनके पास एक ड्रेस रखा है बिल्कुल न्यू जो उन्होंने अभी पहना नहीं है, वो एक्चुअली बड़ा आ गया था हमसे थोड़ा कुछ टाइम पहले, लेकिन उनको नहीं चाहिए था, उनको कि नहीं हमारे लिए फिर से लीजिए आप। तो ये हम गए तो उनके अब बने का चलो ले लो, तो उनको स्कर्ट टॉप का आजकल बड़ा शौक चढ़ा है कि कुछ मिनी सा होना चाहिए, मिनी स्कर्ट हो, तो ये ड्रेस उनको बड़ा पसंद आया था, माशाल्लाह से अच्छा भी लग रहा था, काफ़ी ड्रेस अच्छा ड्रेस लग रहा है ये। अब इंशाल्लाह जब ये लोग ईद पे पहनेंगे कपड़े तो मैं हुआ तो पिक शेयर करूँगी आपके साथ, उसका भी व्लॉग बनाऊँगी टाइम मिला तो। और ये हैं ज़ायरा के ड्रेस, थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से हो सकता है कलर का कुछ लग रहा हो फर्क। और ज़ायरा की ये लेगी और फ्रॉक पसंद की है उन्होंने, बेल्ट, हालांकि मुझे ज़्यादा फ्रॉक्स पसंद नहीं है, बच्चे अनकम्फर्टेबल रहते हैं और ये लोग भी उतार देते हैं थोड़ी देर में पहन के, लेकिन फिर भी उनकी फरमाइश थी कि नहीं हमें तो फ्रॉक चाहिए। कोल्ड शोल्डर स्लीव है और शॉर्ट सा जैकेट है इसके ऊपर, और अपनी पसंद से उन्होंने ज़िद करके वहाँ पे, वरना हमने उनके लिए बहुत प्यारा सा प्लाजो पसंद किया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो, लेकिन उन्हें ये पसंद आया। और ये मेरे छोटे से शहजादे जोहान, अभी तो छोटे हैं तो उनको नहीं आता ये सब समझ में, जब बड़े होंगे तो बहनों की तरह करेंगे। पहले बहनें भी हमारी पसंद से पहनती थी हर चीज़, अब नहीं, अब तो ज़िद करती हैं, बड़ी हो गई हैं तो। और ये जोहान के लिए हमने शर्ट पसंद की, फुल स्लीव, हीरोफेल जो कंपनी है ये बड़ी अच्छी होती है, लास्ट ईयर भी मैंने ली थी, तो ये अच्छा ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, अच्छा रहता है इसका कपड़ा, तो मैं रेकमेंड कर सकती हूँ कोई ले तो, बड़ी अच्छी चीज़ है ये, अच्छे रहते हैं इसके कपड़े। तो ये शर्ट पसंद आई थी हमें उसके लिए इतने ड्रेसेस में, कि ये हालांकि वो शर्ट्स इतनी इतने मतलब कंफर्टेबल होके नहीं पहनते हैं जैसे कि टी शर्ट्स पहन लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके अब्बा को चाहिए था कि शर्ट्स लेना है, शर्ट में जोन बहुत अच्छा लगता है, तो ये सब कॉटन में शर्ट्स हमने ली हैं। ये ब्लैक कलर की मुझे पसंद आई थी, तो मैंने कहा चलिए, मेरे से दोनों मेरी पसंद की हैं, लगभग उनके अब्बा को भी पसंद थी, मुझे भी पसंद थी, तो हमने ले ली दोनों ही कि चलिए ठीक है। वैसे बच्चे ज़्यादातर टी शर्ट में कंफर्टेबल रहते हैं, हौजरी कपड़ा होता है, स्ट्रेचेबल रहता है, खुश रहते हैं। और एक ये मैंने निकर वाला ड्रेस लिया था उसके लिए, ये बड़ा अच्छा लगा था, इसमें कलर सही से दिख नहीं रहा, ये नेवी ब्लू कलर है,
ये देखिए थोड़ा सा आप समझ में आए, और बड़ा वेलवेटी टच है इसके अंदर टी शर्ट में, तो अच्छे लग रहे थे ये मुझे ड्रेस उसके, तो मैंने ये ले लिए थे। और ये हैं हमारी लोइज़ा के, माशाल्लाह से लोइज़ा की हाइट बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी हो गई है, तो ये उन्होंने अपनी पसंद से फ़्रॉक ली है, काफ़ी अच्छी है फ्रॉक, ये नेवी ब्लू कलर है इसका भी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, लेगी दुपट्टा वो सब चीज़ें हैं इसके साथ, तो ये उन्होंने अपनी पसंद की ली है, फुल फ्लोर लेंथ जो चल रही हैं आजकल, और पहनी थी उन्होंने, बड़ी खूबसूरत लग रही थी, पूरे में पिको वगैरह है, फ्रिल है। और ये हैं बच्चों के फुटवेयर्स, अब मैं किससे दिखाना शुरू करूँ आपको, चलिए जोहान से शुरू करते हैं। तो ये जोहान के लिए मैंने लिए हैं, उनके पास जो शूज़ वगैरह हैं वो बड़े जल्दी बड़े हो रहे हैं तो छोटे हो रहे हैं, हालांकि ये साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है उनका, ज़्यादा दिन नहीं पहन पाएंगे, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल तो पहन लेंगे क्योंकि एक सेंटर मुझसे ये बड़ी आ गई है, तो इस वजह से मैंने ये एक बिल्कुल उनका फिक्स साइज़ ले लिया है। और ये देखिए कितनी मतलब क्यूट क्यूट से होते हैं ना बच्चों की चीज़ें, छोटी छोटी होती हैं तो बड़ी प्यारी सी लगती हैं देखने में, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और इसके अलावा मैंने क्लिक शूज़ लिया है, बड़ा प्यारा सा लग रहा था ये शूज़ भी, क्यूट सा, और वो भी बहुत खुश थे पहन के मम्मा हमारे लिए ये सब चीज़ें लेकर आई हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, ईद होती है तो बस ईद उन्हीं की तो होती है, वो खुश होते हैं, तो मेरा भी इरादा नहीं था कुछ, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं पापा खुश होते ऐसा नहीं है, मत सोचो ऐसा, दिलाओ उन्हें जो वो चाह रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलिए बच्चों के लिए ले लेते हैं। ये एंजेला की सैंडल है, उन्हें हील चाहिए थी, उनके अब्बा ने पसंद की है तो काफ़ी हील के साथ उन्होंने ली है इस बार, और बहुत खुश हो रही थी वो देख के वाह हमारे लिए इतनी अच्छी हील वाली सैंडल लेकर आए हैं आप लोग, क्योंकि उनके अब्बा वैसे मना करते हैं हील पहनाने के लिए, बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए, स्लिप हो जाए, मोच आ जाए, इस वजह से, लेकिन वो इस बार ले ली तो बड़े खुश हैं। ये देखिए ज़ायरा की है, ये इस टाइप से फ्लेट्स जो होती हैं ये अच्छी रहती हैं बच्चों के लिए, कंफर्टेबल होती हैं दौड़ भाग के लिए भी, तो ये ज़ायरा के लिए ली हमने ब्लैक कलर में, उनकी भी सैंडल्स सब छोटी हो गई हैं तो इसलिए, उनके दादू ने भी फिर कहा था तो इसलिए उनके लिए दो सैंडल लिए हमने। हमने ये ज़ायरा के लिए दो सैंडल्स ली हैं ब्लैक एंड वाइट, और ये है लोइज़ा के लिए सैंडल जो लोइज़ा ने अपनी पसंद से खुद ली हैं जाके, ये देखिए उन्हें भी बूट स्टाइल में चाहिए था, कुछ बूट जैसा हो उसमें हील्स भी हो और अच्छी भी हो, सोबर भी हो, स्टाइलिश भी हो, मतलब काफ़ी चीज़ें एक साथ चाहिए थी उनको, तो ये उन्होंने अपनी पसंद से ली है। तो ये पूरा कलेक्शन है बच्चों का जो बच्चों के हैं, चारों बच्चों के माशाल्लाह से ये सब हैं, और ये सेल में से मैंने लिए थे कि येलो बेली और एक ये रेड वाली, तो जैसे लोइज़ा के भी पहनने में आ जाएगी क्योंकि लोइज़ा को और हमारा पैर सेम ही हो गया है अब, तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हैं वो, तो हम दोनों का सेम पैर हो गया, तो ये हमने ले ली थी कि काम आ जाएगी। और ये मैंने क्या मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर अभी कुछ टाइम पहले मुझे गिफ्ट की थी कि थोड़ा सा इनका मूड ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं अपसेट थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा ये काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रही थी, लेना चाह रही थी पर मैं नहीं ले रही थी, तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया। वैसे मैं कुछ गिफ्ट नहीं चाह रही थी कि मैं कुछ गिफ्ट लूँ या कुछ भी, लेकिन वो मेरे लिए केक भी लेकर आए थे, मैंने उसे कट नहीं किया, उनको बुरा लगा, बच्चों को बुरा लगा, और ये उन्होंने बुक की थी मेरे लिए, ये क्लब फैक्ट्री से मंगवाई है मैंने, मतलब
इन्होंने ऑर्डर करी थी, तो काफ़ी जल्दी भी आ गई ये, वरना टाइम लग जाता है 15 से 18 दिन, लेकिन मेरे ख्याल से ये 5-6 दिन में ही आ गई होंगी, बल्कि ये शायद उस कम टाइम में। तो ये देखिए इसका एग्जैक्टली कलर है, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छी है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड की थी, तो मैं भी रिकमेंड करूँगी आप लोगों को, अगर आप कोई लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी है ये, प्राइस के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसका मोस्टली प्राइस जो आता है 865-850 ऐसा समथिंग आता है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा कम में मिल गई थी 776 में, तो लेकिन अच्छी है, कंफर्टेबल है, और इस टाइप से पैटर्न में आपको मतलब इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है, बिल्कुल ब्रांड की तरह फील आपको आएगा आप जो इसको पहनेंगे, फुल कंफर्टेबल। और ये जोहान ने मिठाई का डब्बा खोल दिया है, ये मेरे हस्बैंड पता नहीं लाए थे कहीं से, क्या था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो ये जो है ये मेरे कपड़े हैं, अभी नहीं लिए मैंने कुछ भी, ये सब पहले के हैं, काफ़ी टाइम हो गया। एक रिसेंट का जो लॉन कलेक्शन था ये उसका ड्रेस है, तो ये इसमें से ही कुछ सोचा है मैंने कि ईद पे सी लूँगी, ताकि सिल जाएगा तो इंशाल्लाह पहनने में भी आ जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा कपड़ा भी, काफ़ी अच्छा है, लॉन है तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत अच्छा कॉटन है, बहुत अच्छा कपड़ा है, और अच्छा कपड़ा ज़्यादा है। अब आप बताइए कि इसमें जो पिक में दिख रहा है इसी टाइप से बनाऊँ या कुछ अलग बनाऊँ, क्योंकि इसमें पैच वर्क भी है, ये जो दिख रहा है ना आगे साइड में ये पूरा पैच है, काफ़ी बड़ा सा वर्क दिया हुआ है, पूरा उसको अटैच करना पड़ेगा, पैच वर्क है ये, और काफ़ी अच्छा सा जैसा दिख रहा है ना एज इट इज़ वैसा ही कलर है, खूबसूरत सा, बहुत अच्छा सा लगेगा शायद बनने पर। और दूसरा ये कि ये एक ड्रेस है जो मेरा कटिंग किया हुआ रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, ये जो पिक में दिख रहा है स्टाइल से, इसमें एम्ब्रॉयडरी है नेक पे दामन में, तो ये भी एक मेरा ड्रेस रखा हुआ है, ये सिल गया तो ये भी पहन सकते हैं। और वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से सी लूँ इसको भी, मैं सिल जाए। और दूसरा ये बैक प्रिंट का एक सूट रखा था मेरे पास, ये भी मैंने लिया था कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ टाइम या कुछ मंथ्स पहले, तो ये सोच रही हूँ या तो ये अगर हुआ तो इसको भी पहन सकते हैं। बाकी सब यही शॉपिंग है, यही सब तैयारी है ईद की। और आपकी तैयारी कैसे हुई है, क्या किया है आपने, और मेरा आपको कैसा लगा जो भी ईद की शॉपिंग थी, शॉपिंग हॉल था, तो आप प्लीज़ बताइए, कमेंट्स करिए, वीडियोस पसंद आती हैं, ब्लॉग पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं पता चल जाएँ। और उसके बाद से ये कहूँगी कि बस आप अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, और मेरे वीडियोस देखते रहिए, और ये भोपाल की सड़कों को एंजॉय करिए, भोपाल का मार्केट जो है ये इब्राहिमपुरा वाला जो रोड है वहाँ की शूटिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।